आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज विडानी जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी अबर सब त्याग उहा हर पानी जिन्हां नूं मालक जी आप मिलाउंदे ने उही मालक जी नाल मिलदे ने होर सारा कुछ त्याग के अबर सब त्याग उहा हर पानी उहा हर पानी पानी दा ते चंगी लगना मालक जी दी सिफत सलाह हमेशा करदे रहिए जदों मालक जी दी सिफत सलाह करदे आ ना फिर आपां मालक जी नूं चंगे लगन लग जाने आ फिर चंगे लगदे ते इह वी बेनती करां रब जी नूं कोई लालच कोई तमा नहीं कि कोई उहदी वडियाई करे जिवें आपां नूं ते हुंदा ना भी अपनी कोई वडियाई करे कोई उस्तत करे किसी की मदद कर दईए हुंदे भी मेरा नाम बोले कई बार तो आपां गुरद्वारा साहिब दे विच वी जदों सेवा करदे आ ना कई बार ग्रंथी वीर तो भुल विच ना बोलना रह जाए आपां दुबारा याद कराउने आ भी वीर जी तुसीं साडा नाम बोलिया नहीं क्योंकि मनुख नूं तमा हुंदी है भी मेरी वडियाई होनी चाहीदी है लोगों नूं पता लगना चाहीदा है पर रब जी नूं कोई तमा नहीं है बहुता कर्म जप जी से पढ़ते हैं ना करो कृपा बहुता कर्म लिखिया ना जाए बड़ा दाता तिल ना तमाए कर्म बख्शिश बड़ी बड़ी है बयान नहीं की जा सकती पर उन्हें तिल तिल वेखो छोटा जिहा हुंदा ना निक्का जिहा चुंडी भरो किन्ने तिल आ जाते हैं बड़ा दाता तिल ना तमाए तिल जिन्नी भी तमा नहीं कि कोई उहदी वडियाई करे पर आपां क्यों करनी आ इते कुकर हों बेगाना पौंका इस तन ताई अपने तन नूं बेकारां तों बचाउण दे लई गुण गाउंदियां गाउंदियां जे इक गुण भी अंदर वस गया ना जिहदियां आपां गल्लां करदे आ ना मन लो आपां किसी दियां गल्लां कर रहे हां किसी बारे कुछ बोल रहे हां आपां नूं भी लगदा वी इदां दा जिहड़ा गुण है ना इदां दी चीज़ मेरे मन विच भी आ जावे हौली हौली किसी नूं आपां ध्यान नाल वेखी जाइए आपां नूं लगन लग जांदा वी मैं भी इदां दा ही हाँ मैं भी इदां दा ही बन जाणे जां बन गया जदों आपां रब जी दी वडियाई करदे हाँ ना रब जी दे गुणां नूं गाउंदे हाँ उह निर्मल है उह निरभौ है उहनूं किसी दा डर नहीं उह निरवैर है उह किसी नाल वैर नहीं करदा वो गुण अपने अंदर भी आप लिया की कोशिश करते हैं बाबा कबीर जी कहते हैं ना राम कबीरा एक पए हैं कोई ना सके पछानी राम ते कबीर एक हो गए बाबा कबीर जी का उपदेश है किमें गुणा करके समा गए एक दूजे विच ज्यों जल मैं जलाए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना जी दी अंशां अपने मूल नाल जदों जुड़दे हाँ सूमी नाल जुड़ जाने सतगुरु जी इसे करके समझाउंदे ने पुत सिफत सलाह करी करनी किहदे लई अपने लई जदों आपां मालक जी दे गुण गावांगे अपने अंदर जे एक गुण वस गया किनका एक जिस जीव वसावै तां की महिमा गनी ना आवै फिर आपां मालक जी नूं चंगे लगांगे जदों सोहणे गुण अपने अंदर वसणगे गुणा करके ही माण सत्कार मिलने ये भी बेनती करा जो अपना जन्म हुंदा है ना रब जी ने अपने अंदर गुण पाए ने पर जो आप वरतों नहीं ना करते वह गल जाते ने सड़ जाते ने जो रब जी को भुला दें गुण देन वाले नालों टुट जाने माता दे पेट विच बच्चा रब जी का भगत हुंदा ते जदों दा जन्म हुंदा आप उहनूं बच्चा कहने बच्चे का अर्थ की हुंदा बचिया होया जिहड़ा दुनिया की हर एक अलामत तो बचिया हुंदा क्रोध तो बचिया होया बच्चा है ना बचिया बचिया होया उहदा बचा है वह हंकार तो भी बचिया होया वह लोभ तो भी बचिया होया ते जे ते आपां बच्चे नूं गुरबाणी नाल जोड़ दिता वह बचिया रहेगा वह ते बख्शिश रहेगी ते जे वह गुरबाणी नालों टुट गया गुरबाणी भुली हरी बिसर जाने क्योंकि गुरबाणी ने चेते करवाना है ना पुत अपने शरीर में पुछया कर ए शरीरा मेरे आ
गुरबाणी चेते कराएगी। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जां तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हार मन ना वसाया। गुरबाणी समझाउंदी है ना पुत नूं मन च नहीं वसाया जिन्हें तेनों बनाया, साजे है सवार है जो सवास दिंदा है, मन च वसा जे वह भुल गया ना, हर विसरत तेरे गुण गलिया, गुण गल जाणगे। तू होर तां कत्तर की करने ने जिहड़े हैगे आ ना वह भी गल जाने ने, सड़ जाने ने। सो कोशिश करिए, गुरबाणी पढ़िए, गुरु जी कृपा करनगे, रब जी दे गुणा बारे दसणगे, वह गुणा नूं अंदर लैके आइए, फिर आपां मालक जी नूं चंगे लगांगे, सोहणे लगांगे, प्रमाण होवांगे। सो गुणा नूं तां ही मन्नांगे जे पाठ करना शुरू करांगे, संगत विच आया करिए, सहज पाठ शुरू करिए, संथिया दियां क्लासां लाइए, फिर ही इत्थे बैठ के सुनिया सफला होएगा। मैं अक्सर बेनती करदी हुंनी आ भी जदों अपने सकियां दे घर विच प्रोग्राम हुंदा है उदों आपां मन लो सके चाचे ने अपने पुत दा ब्याह करना है, अपने परिवार विच 10 मैंबर ने, बजुर्ग ने, बच्चे भी ने, नौजवान भी ने, ते सके चाचे ने अपने पुत दा ब्याह करना होवे ते अपने परिवार विच 10 मैंबर होण ते सकियां दे घर विच किन्ने जावांगे जी, दसो भाई किन्ने जावांगे? सारी पहुँचांगे ना। बजुर्ग भी कहिंदे ने भी पुत मैनूं पहलां उतार आ कितें तेरा चाचा गुस्से ना हो जाए। जाना भी चाहिए, सके ने जरूर जाना चाहिए, बच्चे भी जाते ने, पहले ही आपां पहुँचा दिंदे आ, ते आपां भी जाने आ भी भाई इधर ही सारा कुछ है तुहाडा, अज चुल्हे न्यौंदा है तुहानूं, तुसीं अपने घरे प्रशादा नहीं छकना, इत्थे ही आयो क्योंकि सके ने, सारे पहुँचदे आ, पहुँचना भी चाहिए। ते जे दूर दी रिश्तेदारी विच कोई प्रोग्राम होवे उत्थे भी सारे जाने आ जी, उत्थे सारे नहीं जाते, उत्थे एक मैंबर की ड्यूटी लाने भी बापू जी जां बेबे जी तुसीं ड्यूटी निभाए हो। जे विआह भी होवे ना कई बार तो बाद विच ही शगन फड़ा के आने, दूर दे आ ना, जरूरी नहीं है, सकियां दे जरूरी आ। हुण इमानदारी नाल दस्सियो, गुरु नानक साहब महाराज जी साडे सके ने कि दूर दे ने? सकियां तो भी वध के ने। जिहड़े सके हुंदे आ ना रिश्तेदार, जिथे वो बाहरी दुखां च खड़दे आ, जदों अंदर टुट जांदा है ना मनुख, कोई विपता पैंदी आ, हजे बाहरले तां कई बार साथ छड्ड दिंदे ने। बाबा जेठा जी दा जीवन पढ़ी, बाहरलियां ने तां साथ छड्ड दित्ता सी धन गुरु रामदास महाराज जी दा, जदों गुरता गद्दी ते बैठण तों पहलां दा जीवन वेखदे आ ना, बाणी च समझाउंदे आ ना, दसदे ने जदों गुरता गद्दी ते बैठे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, पर जदों गुरु कोल आ गए, गुर सत गुर संग कीरे हम थापे, मेरे गुरु ने कृपा कीती मैनू कीड़े, वेखो निम्रता किन्नी आ, सतगुर संग कीरे हम थापे, मैनू थापड़ा दे दिता गुरु जी ने। कई बार इहोजे हालात होंदे ने जिते सके भी साथ छड्ड दिंदे ने, गुरु जी तां उदों भी साथ नहीं छड्डदे, सकियां तो भी वध के। जां को मुश्किल अत बने ढोई कोए ना दे, लागू होए दुश्मना साक पे भज खले, सबो भजै आसरा चूकै सब असराओ, चित आवै उस पार ब्रह्म लगै ना तत्ती बाओ, चित आ जावे जी उस समय भी। सो चित च रखिए, कल दा समागम बाकी है, जे सके आ ना सकियां तो वध के ने, जरूर होरना नूं भी प्रेर के लैके आयो भी आओ भाई बैठ के आपां गुरबाणी, गुरु दे शब्द नूं समझना है, गुरबाणी नूं समझना है। जदों आपां किसे नूं लैके आउने ना, इह वी इक बहुत वड्डी सेवा हुंदी आ। भाई गुरदास जी कहिंदे ने जिवें 7 मंदर सोने दे उसार दित्ते जाण, कई विद्वानां ने 7 दा अर्थ 100 भी कीता, मंदर ते 1 ही सोने दा बहुत हुंदा है, कहिंदे एडा वड्डा पुन लगदा इक सिख नूं गुरु दा शब्द सुनाउण दा।
ਜਿਵੇਂ ਸੱਤ ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਮਣ ਕਣਕ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨੇ ਮਣ ਚੌਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਬੀਜੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ।